दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल मिठाई और वो है खजूर रोल, जो दिखने में भी बहुत ही बढ़िया दिखती है और टेस्ट तो एकदम बेहतरीन है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो खजूर। तो मैंने खजूर लिए हैं और बिना बीज वाले लिए हैं। इसे अब हमें आधा कप गर्म पानी में एक घंटे के लिए भिगो के रखना है। अब जो मैंने पानी लिया है वो दोस्तों बीटरूट का पानी लिया है, बीटरूट को पीस के उसका जो रस है वो मैंने गर्म पानी बना दिया है उसका, और उसमें हम इसे भिगो देंगे। ये मैं सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाहर का बाज़ार का कलर यूज़ हो। और अगर आपको चाहे कि आप नेचुरल जो खजूर का कलर है उसी कलर में आप बनाना चाहें तो आपको बीटरूट डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए इसमें बीटरूट का पानी मिक्स किया है। तो आधा कप गर्म पानी हमने लिया है और अब इसे हम एक घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सोक कर ले पानी को और सॉफ्ट हो जाए। अब आप एक घंटे बाद देखोगे, देखो हमारे खजूर का जो रंग है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब हमें इसके फाइन पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा अगर आपको ज़रूरत लगे तो पानी ऐड करके इसे ही, पर एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट आप उसका तैयार कर लें। तो इसे मिक्सर जार में ले लेती हूँ और इसको एकदम से पीस के एकदम बढ़िया फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रख ले। अब पैन ले ले, पैन में हमें इस जो हमारा खजूर का पेस्ट तैयार हुआ है वो डाल देते हैं। हम अभी घी तेल कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा हमने पैन में खजूर के पेस्ट को डाल दिया है। मीडियम से लो आँच पर हमें इसे पकाते रहना है जब तक इसका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो कम होने लगे। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। डाल देते हैं आधा कप मिल्क पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे घी। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करें ताकि जो हमारा पाउडर डाला है मिल्क पाउडर वो पूरी तरह से हमारे खजूर के पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा गीला सा आपको लगेगा तो इसको बराबर चलाते रहें। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको टाइट होने में, पर वो मीडियम से स्लो आँच पर ही करें, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर ना करें। इसे चलाते रहें और जैसे ये अच्छे से टाइट होने लगे, लगे आपको कि हाँ अब ये तैयार हो चुका है, कढ़ाई छोड़ने वाला है, तो 1 चम्मच घी और डाल दें इसमें ताकि आसानी से हमारा जो है कढ़ाई छोड़ने लगे। और ये देखो कितने आसानी से कढ़ाई छोड़ रहा है। तो इसे एक दोबारा और अच्छे से मिक्स करें, हिला लें और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा ना हो तो आप खोया भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद के लिए इलायची पाउडर और खूब सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है और साथ ही साथ मैंने पिस्ता भी काट के डाला है, तो थोड़ा बारीक काट लिया है और ये खजूर के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जैसे ही हमने इसमें नारियल का बुरादा डाला है आप देख सकते हैं एकदम टाइट हो गया है हमारा डो। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और एक प्लास्टिक शीट या फिर बटर पेपर पे आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए और उसके बाद हम ये इस पर जो हमारा डो तैयार हुआ है खजूर का वो डालेंगे। दोस्तों हमने इसमें बिल्कुल भी चीनी यानी शुगर यूज़ नहीं की है, बिना उसके ही हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो खजूर का नेचुरल मीठापन है उसी से हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो अभी थोड़ा गर्म है, इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, 10 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर हमें इसके रोल बनाने हैं। तो आप देख लें जिस हिसाब से आप थोड़ा सा गर्म है और आप अगर उसे छू पा रहे हैं तो आप उससे बढ़िया रोल तैयार कर लें। इस तरह से आप इसको घुमाते जाएं और इसके थोड़े पतले, ज़्यादा मोटे भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं, इस तरह के हमने रोल इसके तैयार कर लिए। अब इसे इसी तरह से हम लेके फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में हमें कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है, तो इसे रखते से ये टाइट हो जाएगा। इसी जब ये फ्रिज में तैयार हो रहा है तब हम क्या करेंगे, खसखस ले लेते हैं। खसखस को हमको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो आँच पर हमें इसको हल्का सा रोस्ट करना है। तो हमारा खसखस अब तैयार हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब 1 घंटा हो चुका है, हम हमारे रोल निकाल लेते हैं और अब इसे काट लेते हैं। हम इसको फ्रिज में इसलिए रख रहे हैं ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए और हमारे जो रोल है वो बढ़िया आराम से कट सके। देखो ये काफ़ी अच्छे से टाइट है और आसानी से जो रोल है एकदम परफेक्ट कट रहा है। तो आप इस तरह से अपनी साइज़ के हिसाब से जितना बड़ा आप चाहे उस हिसाब से आप रोल काट लें और इस तरह से हाथों से इसको हल्का सा गोल कर दें ताकि इसके जो एंड है वो अच्छे से गोल शेप में आ जाए। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से जो खसखस हमने रोस्ट करके रखा है उसके ऊपर रोल कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरह से रोल कर दीजिए, इसके ऊपर खसखस का जो है वो कवर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा खजूर रोल तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मिठाई है, दिखने में भी इतनी सुंदर है। कोई भी फंक्शन के टाइम हो अगर आप इसे बनाओगे तो आई एम श्योर कि आपको सबको बहुत पसंद आएगी। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करके देखें।